आप मेरी आंखों देखी सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो आपकी चहेती रानो, हाँ हाँ रानो, ब्याह कर लिया है रानो ने। माता रानी की सौ, सच कह रही हूँ मैं। आज मैंने और मन्नो ने उसे देखा था बाजार में, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने घूम रही थी। रणबीर नहीं तो किसी और की सुहागन बन के अपने अरमान तो पूरे कर लिए उसने। और आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि रानो ने ब्याह किया किसके नाल है? रानो ने वेद नाल ब्याह कर लिया है। पापा जी, और मैंने तो ये बात सोचकर बहुत ही बुरा लगता है कि अगर रानो को ये सब करना ही था तो साढ़े रणबीर नाल प्यार का नाटक क्यों किया उसने? और वो वेद, वो तो आपका वफादार बनता है ना, लेकिन जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रही है। पीजी, आपको मेरी बातें तो हमेशा फिजूल की ही लगती है ना, पर कम से कम मन्नो पर तो यकीन है ना आपको? मन्नो, तू ऐसे चुप क्या खड़ी है? तू भी थी ना मेरे साथ वहां पर, तूने नहीं देखा था? मैंने तो यही नहीं समझ में आता कि रानो ये सब करके साबित क्या करना चाहती है। बस चलो दीदी, बिना सोचे समझे आप जो चाहती वो इल्जाम लगा देती। शनु दीदी, ये जरूरी नहीं कि हमारी आंखों ने जो देखा वही सही हो। शनु दीदी देखिए, आप ये सब कहकर ना घर वालों को सिर्फ तकलीफ दे रही हैं और कुछ नहीं। तो तेरा कहने का मतलब क्या है कि जो हमने देखा वो क्या था? झूठ, आंखों का धोखा? शनु दीदी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ था। वो पूरा सच भी तो नहीं था ना, और अधूरा सच हमेशा झूठ के बराबर होता है। अब मनो प्लीज, मैंने ना तेरा ये आधा सच और झूठ ये सब कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ वही बोलूंगी जो मैंने देखा। मैंने रानो और वेद को साथ देखा, दोनों जन बड़े खुशी लग रहे थे प्यार में, जैसे कि दो हंसों का जोड़ा। हाँ बंद करो, क्या शोर मचा रखा है, हुआ क्या है? जवाब मांगा मैंने, ये तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? प्रीत बहन जी, तमाशा मैंने नहीं, उस रानो ने कर दिखा है। रानो ने वेद नाल व्याह कर लिया है। हाँ, आज मैंने और मन्नो ने उसे वेद नाल देखा था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, उसकी सारी सच्चाई बयान कर रहे थे। हाँ, रुक जा रणवीर, सुनाई दिया, समझ में आया कुछ? बड़ा विश्वास था ना अपनी रानों पर, ब्याह करना चाहता था तू उससे, किसी और के नाम का सिंदूर लगाकर घूम रही थी सड़कों पर, देखा इन लोगों ने, तेरे विश्वास का ना गला घोट दिया उसने, और तू लड़ने को चला था सारी दुनिया से उस लड़की के लिए। चन्नो, पंडित जी को फोन लगा के हवेली में आए, जितनी जल्दी हो सके टीना और रणवीर के ब्याह की तारीख निकलवानी है।